हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरे पास एक सैमसंग M11 हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स, जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो एक 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो हैंडसेट पे है चार्जिंग का एरर आ जाता है, येलो कलर का एक सिंबल आ जाता है। अभी आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे, अभी आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, इसका कोई डायग्राम नहीं है। अगर डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको इसमें लेआउट मिलेगा, बट इसमें आपको सारा का सारा स्कीमेटिक डायग्राम की इसमें फाइल नहीं है। सो हमने क्या किया फ्रेंड्स, Redmi 8A का डायग्राम हमने लिया है जिसके अंदर पावर एसी जो है PMI 632, इससे हमने रिपेयर किया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, बेसिकली बैटरी थर्मल लाइन जिसको NTC लाइन भी कहते हैं, नेगेटिव थर्मिस्टर कोएफिशिएंट या फिर बी टेम्प्ट कहते हैं सैमसंग के अंदर बैटरी टेम्परेचर लाइन, या फिर आपको कहीं कहीं पे आपको बैट ऑन लिखा मिलेगा, मतलब मीडियाटेक वगैरह में बैट ऑन कहते हैं, कॉलकम है तो वहां पे आपको बैटरी थर्मल या NTC लगा हुआ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स बैटरी कनेक्शन के, बैटरी कनेक्टर की जो 4 पिनें होती हैं उसमें से एक आपकी होती है VBAT, दूसरी होती है आपकी बैटरी ID, तीसरी होती है बैटरी थर्मल और चौथी होती है ग्राउंड की पिन। तो ये जो प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, बेसिकली बैटरी थर्मल लाइन में जो हमारा GR जो वोल्टेजेस होने चाहिए वो होने चाहिए, जैसे कि 1.8 वोल्टेज आता है, या कहीं पर आपको 0.9 देखने को मिलेगा, या कहीं पर आपको 2.8 देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग चार्जिंग IC के हिसाब से, अलग अलग हैंडसेट के हिसाब से वहाँ पर आपको जो वोल्टेज देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वहां पे आपको डिवाइडर सर्किट होता है। और किसी किसी में जो बैटरी थर्मल होता है वो मोबाइल PCB के ऊपर लगा होता है, या तो किसी में बैटरी के अंदर लगा हुआ होता है। तो ये जो हैंडसेट है सैमसंग M11, इसका जो थर्मिस्टर है जिसको हम थर्मल भी बोलते हैं, तो थर्मिस्टर जो है इसका बैटरी के अंदर लगा हुआ है। और अभी हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पहले बैटरी थर्मल लाइन को पहले कूल टेस्टिंग की, उसके बाद में हमने उसकी ट्रैक चेक की। तो ट्रैक जहाँ पर आप देखेंगे इस वाले डायग्राम में, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो में। मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ कि हमने Redmi Note 8 Pro का डायग्राम लेकर करके सैमसंग M11 का थर्मल लाइन को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमको जो प्रॉब्लम मिली फ्रेंड्स इसमें पीसीबी में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं मिली। तो ये कैसे फाइंड आउट किया, कैसे हमने रिपेयर किया, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। हो सकता है आपके पास भी ऐसा मोबाइल आ जाए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण कुछ ना कुछ करते हैं उस हैंडसेट में, और अगर रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो उसे वो रिटर्न दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको वीडियो प्ले करके बता देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे ये हैंडसेट हमारे पास है सागर सर के हाथ में, यहां पे सेट देख सकते हैं आप। तो अभी इसमें हम इसकी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका चार्जर लगाएंगे। जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो स्कीमेटिक पोर्ट में कुछ एम्पियर, जैसा कि 0.678 तक जाता है, 1 एम्पियर तक जाता है, उसके बाद वो एम्पियर जो है वो लो हो जाता है। यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह का टेम्परेचर का एरर आ जाता है येलो कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, या फिर हम डायग्राम ओपन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार डायग्राम में बताना चाहूँगा कि सैमसंग M11 के डायग्राम में कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेआउट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेआउट है यहाँ पे, इसमें स्कीमेटिक डायग्राम का कोई भी फाइल नहीं है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, Redmi Note 8 का डायग्राम हमने लिया, देख सकते हैं यहाँ पे Redmi 8A में भी आपको मिल जाएगी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पावर AC हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बैटरी थर्मल लाइन में आप देख सकते हैं 100 ओम्स का रेजिस्टर है, और बैटरी आईडी में अगर आप देखेंगे तो 1K का रेजिस्टर है, जो कि हाई वैल्यू का रेजिस्टर होता है। तो फ्रेंड्स आईडी लाइन में तो 1K का मिला, बट थर्मल लाइन में ओनली 100 ओम्स का रजिस्टर है। और हमने PCB में चेक किया, ये दोनों रजिस्टर ओके है, इसका GR ओके है। और यहाँ पर अभी हम इसको लाइव चेक करके भी बताएंगे आपको, जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो जो वोल्टेज आना चाहिए वो तो वोल्टेज आता है, लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज आधा हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हुए मिला, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। देख सकते हैं सेम जैसा जो IC इसमें लग के है पावर IC,
वही आईसी आपको M11 में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल खोल सकते हैं, कोई भी डायग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले इसकी कूल टेस्टिंग हमने की। तो कूल टेस्टिंग में रिवर्स फॉरवर्ड बायस में वीबैट पे, बैटरी आईडी पे और बैटरी थर्मल में हमको जो जीआर मिल रहे हैं वो ओके जीआर मिले, कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज 0.87 यहाँ पे हमको मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एरर अभी भी आ रहा है, जैसे हम चार्जर निकाल के लगाते हैं तो एरर आता है यहाँ पे। और थर्मिस्टर जो होता है फ्रेंड्स, इसमें पीसीबी में कहीं पे भी थर्मिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ओम्स का रजिस्टर जो है हमको यहाँ पे मिल गया। एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो रजिस्टर हमने चेक किया यहाँ पे, ये देख सकते हैं 100 ओम्स का जो रजिस्टर थर्मल लाइन में है वो ओके है। और बैटरी आईडी लाइन में जो 1K का रजिस्टर है वो भी ओके है। तो यहाँ पे हमको 1K को चेक करने के लिए 2K पे यहाँ पे रख लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 2K पे मैंने रखा और ये आईडी लाइन का रजिस्टर है, ये भी ओके है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है 100 ओम्स का जो रजिस्टर मिला बैटरी थर्मल लाइन में और 1K का बैटरी आईडी लाइन में, तो दोनों रजिस्टर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स ये जो दोनों सप्लाई आते हैं 76 और 67 नंबर पिन से आते हैं पावर आईसी के, तो हमने ये चेक किया तो ये दोनों लाइन इसके ओके है। क्योंकि हमारे पास सैमसंग M11 का डायग्राम नहीं है तो हमने रेडमी नोट 8 का 8A का रेडमी 8A का डायग्राम लिया, तो उसमें भी सेम पावर आईसी ही लग के है। तो इसमें जो पावर आईसी लग के फ्रेंड्स PMI 632 से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PMI 632 इसमें है, तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे चेक किया। तो एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी अब बैटरी निकालेंगे, क्योंकि सारी लाइन ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, ट्रैक सही है, जीआर सही आ रहा है, बस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हम अभी आगे इसकी करने वाले हैं बैटरी को रिपेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, बैटरी आईडी बैटरी थर्मल लाइन में जो है इसके अंदर एक रजिस्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने कनेक्टर पे बैटरी के जो कनेक्टर होता है बैटरी के ऊपर, उस कनेक्टर से हमने ट्रेसिंग की तो यहाँ तक हमको उसकी लाइन ओके मिल गई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थर्मिस्टर लग के है जो के 5K का है। क्योंकि फ्रेंड पीसीबी में ज्यादातर हमको देखने मिलता है 100K का या 50 से 60 70 80K का थर्मिस्टर हमको पीसीबी में मिलता है, लेकिन इस वाले हैंडसेट में बैटरी के अंदर जो थर्मिस्टर लग के है वो है 5K का। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसे चेक किया तो यहाँ पे हमको जो फॉल्ट मिला फ्रेंड्स इसके थर्मिस्टर में हमको यहाँ पे फॉल्ट मिला। तो हम यहाँ पे इसके थर्मिस्टर को जो पुराना वाला है थर्मिस्टर उसको निकाल देते हैं। ये देखिए निकाल दिया कि नया थर्मिस्टर यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमने ऑलरेडी किसी और बैटरी से निकाला है। क्योंकि 5K का थर्मिस्टर आपको पीसीबी में देखने नहीं मिलता, 50K का 60K का 70K का थर्मिस्टर आपको पीसीबी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसमें से 5K का एक थर्मिस्टर हमने निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं चेक कर लिया हमने, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज हमको आ रहा है, सॉरी जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है देख सकते हैं 5K के आसपास मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं 5K के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे बैटरी हम लगा लेंगे, बैटरी जैसे ही हम लगा लेंगे चलिए चेक करते हैं बैटरी को लगा करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा लिया है, एक बार बैटरी को अच्छे से कनेक्ट करना है आपको। अभी 80% इसमें चार्ज है, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 80% चार्ज है और 1% चार्ज होने तक मैंने यहाँ पे वीडियो प्ले करके रखा है, कोई रोका नहीं है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 81% हो जाएगा, ये देख सकते हैं परसेंटेज हमारा बढ़ चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसमें जो प्रॉब्लम मिला फ्रेंड्स हमको, बैटरी के अंदर एक थर्मिस्टर का प्रॉब्लम था जिसका जीआर बढ़ चुका था, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण फ्रेंड्स यहां पे हमने उसका थर्मिस्टर को चेंज किया। आप बैटरी को चेंज करके भी इसको बना सकते हैं, अगर वो पीसीबी में होता तो पीसीबी का थर्मिस्टर आपको चेंज करना पड़ता। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स जरूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। इस तरह के सॉल्यूशंस के काफी सारे वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।